हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक्चुअली आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप मेकअप में कौन से ब्रशेस यूज करती हैं, या कौन से ब्यूटी ब्लेंडर या फिर मेकअप ब्रशेस का जो सेट है वो यूज करती हैं, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए सिंपली मैं बता दूँ, देखिए मेरे पास बहुत ज्यादा मेकअप ब्रशेज नहीं है और जितने भी हैं उनसे मेरा काम चल जाता है। और बहुत ज्यादा पते की बात बताऊँ तो बेस्ट सबसे यही है कि आप अपने हाथ से मेकअप कर लीजिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता है और उससे ज्यादा अच्छे से ब्लेंड भी कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको दो, सबसे पहले तो मेरे पास है इस तरीके के ब्यूटी ब्लेंडर, एंड ये मुझे रेवलॉन का ब्यूटी ब्लेंडर परचेजिंग पर फ्री मिला था बिग बाजार से। और इस तरीके के ब्यूटी ब्लेंडर हैं जिसमें कि ये मैंने लिए थे लखनऊ महोत्सव से, आप देख सकते हैं। ये मैंने इसमें कलबार के पैकेट में रखे हुए हैं बहुत सारे ब्लेंडर्स एंड स्पॉन्जेस। और ये तो मैं यूज एंड थ्रो के तरीके से यूज करती हूँ, दो चार बार यूज करती हूँ उसके बाद हटा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल थे और जब बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं तो ऑफकोर्स फेंकने पड़ जाते हैं। बात करूँ मेकअप ब्रशेस की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्यूटी ब्लेंडर्स की, तो मैंने ना इसमें रखे हुए हैं क्योंकि मैंने इन्हें क्लीन किया था दोस्तों। और सबसे पहले मैं बताऊं, ये है कलबार का ब्यूटी ब्लेंडर, और इस ब्लेंडर को मैंने परचेज किया, इसका रिव्यू भी किया है, इट्स ऑसम, सुपर डुपर सॉफ्ट है, एंड इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पर चेक करिएगा। उसके अलावा मैं करती हूँ पैक के ये चार मिनी ब्लेंडर्स को इस्तेमाल, ये देख रहे हैं आप, जी हाँ ये चार ब्लेंडर जिसमें से एक थोड़ा सा गंदा है, ये वाला नीचे वाला। सो ये पैक के चार जो मिनी ब्लेंडर हैं इन्हें इस्तेमाल करती हूँ, ये बेकिंग के काम आता है, बहुत ज़्यादा बेकिंग नहीं करती हूँ मैं फेस पे। और ये TS ब्यूटी ब्लेंडर है, दिस इज माई फर्स्ट ब्यूटी ब्लेंडर एंड इट्स नाइस, इट्स वेरी नाइस, वेरी अफोर्डेबल। और ये तो बिग बाजार में, सेंट्रल में हर जगह मिल जाते हैं TS के प्रोडक्ट। और ये भी एक लोकल ब्लेंडर है, इसके ब्रांड का नाम नहीं याद है मुझे, लेकिन मैंने ये एक लोकल मार्केट से लिया था। और ये दोनों ब्लेंडर भी वही अफोर्डेबल ब्लेंडर्स की रेंज में से हैं। ये फॉइल पेपर में इसलिए रखे क्योंकि मैंने धुले थे, तो इसको जब सुखाया मैंने हल्का सा धूप छाँव में, हल्की धूप में, तो इसमें फॉइल पेपर में रखे मैंने सुखाया था। और इसके अलावा मेरे पास ओरिफ्लेम का ये फैन ब्रश है हाईलाइटिंग के लिए, दिस इज द फैन ब्रश, और ये आया था आई थिंक 400 रुपीज़ का। और ये है मेरे पास ब्लश ब्रश, दिस इज लोटस हर्बल्स ब्लश ब्रश, और ये मुझे लोटस की लिपस्टिक्स की परचेजिंग पर फ्री मिला था। अनदर लिप कलर ब्रश जो है मेरे पास एक ही है, कभी कभी मैं इससे लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, ये लोटस का ही है आप देख रहे हैं। ये मुझे लोटस की लिपस्टिक के साथ तीन ब्रश फ्री मिले थे, इसमें एक ये फाउंडेशन वाला ब्रश भी था आप देख रहे हो, तो इससे तो मैं कभी फाउंडेशन लगाती नहीं हूँ दोस्तों, जरूरत नहीं पड़ती। मैं हमेशा ज़्यादातर आई थिंक मूज लगाती हूँ, लिक्विड फाउंडेशन कम लगाती हूँ। अगला मैं ना ब्रॉन्जिंग के लिए थोड़ा सा ओरिफ्लेम का ये जो ब्रश है 399 का, इसे इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये वाला ब्रश मैंने इस तरीके से ब्रॉन्जिंग के लिए बहुत अच्छा होता है और कॉन्टोरिंग के लिए। बात करूँ अच्छे से लिक्विड फाउंडेशन ब्लेंड करने की, तो इस तरीके का ये ब्रश है जो कि मैंने एक मार्केट से लिया था, लोकल मार्केट से, प्रगति से, और ये मुझे 300 या 400 का पड़ा था। दिस इज़ वेरी नाइस एंड अच्छे से लिक्विड फाउंडेशन ब्लेंड करता है। बट मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट है और जो सारे काम कर देता है, फाउंडेशन ब्लेंड कर देता है, लूज पाउडर लगा लेती हूँ, ब्लश भी लगा लेती हूँ, ब्रॉन्जिंग भी कर लेती हूँ एंड हाईलाइटिंग भी कर लेती हूँ, सो दिस इज माय कलबार काबुकी ब्रश, यू कैन सी हियर। ये ब्रश मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और ये आई थिंक 575 का आया था, और इसने अपने पैसे तो वसूल दिए क्योंकि मैंने इसे बहुत इस्तेमाल किया है। और ट्रैवलिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ यही ब्रश रखती हूँ ज़्यादातर, और लोटस का ये ब्लश ब्रश रखती हूँ इस तरीके से यूज़ करने के लिए सिंपली। तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको, मेरे पास ना ज़्यादा ब्रश नहीं है लेकिन इन ब्रशेस से मेरा काम चल जाता है। और आजकल मुझे एक कलबार से ये जो फेस पैक लगाने के लिए ब्रश मिला था, इसे मैं हल्का सा आई शेडो ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज आई शेडो जितना अच्छे से लगता है वो है आई शेडो के पैलेट में एक ब्रश है उससे लग जाता है। सो मुझे एज सच इतना ज़्यादा ब्रशेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि अभी नहीं पड़ती है अभी, और है भी नहीं मेरे पास, और मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है परचेज करने की इस वजह से। तो ये मैंने सिंपली अपना 2018 का ब्रश और ब्लेंडर्स का कंप्लीट कलेक्शन आपके साथ शेयर कर लिया है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल रारा, एंड मेरी अनदर वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, मुझे बताइएगा कैसी लगी। एंड मेरा जो लिपस्टिक कलेक्शन है, शॉल कलेक्शन है, और मैंने बहुत सारे अपने बैंगल का कलेक्शन शेयर किया है, कंगन कलेक्शन शेयर किया है, वो जरूर देखिएगा, मुझे बताइएगा कैसे लगे। और मेरे अनदर चैनल रारा लाइफस्टाइल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड
टेक केयर दोस्तों, और मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा जो विदाउट फेस है, और मेरी कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, ये वाली भी नहीं, बिल्कुल नहीं। सो मैं आपको बिल्कुल जेनरली बता रही हूँ, यही मेरे मेकअप ब्रशेज हैं जिनसे मैं यू नो मेकअप कर लेती हूँ। अदरवाइज कॉम्पैक्ट को ब्लेंड करने के लिए तो कॉम्पैक्ट का जो जो स्पॉन्ज आता है वो बिल्कुल काम करता है। सो या दैट्स इट। सो इसके अलावा मुझे ऐसा नीड भी नहीं पड़ती है। और ब्लेंडर को मेकअप कभी कभी जब सडनली मेकअप करना होता है तो हम सभी मोस्टली ऐसा होता है कि हाथ से ही यू नो मेकअप के प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लेते हैं। इस तरीके से पहले ब्लेंडर को पानी में भिगोना, फिर स्क्वीज करके उसको इस्तेमाल करना, इतना टाइम नहीं होता है दोस्तों। बट हाँ, इससे आप मिनी ब्लेंडर्स जो है वो बहुत काम आते हैं। सो इनके मैं रिकमेंड करूंगी, एंड कलबार का काबुकी ब्रश रिकमेंड करूंगी। थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों। और आई होप कि 2019 में मेरे पास अच्छा और ह्यूज कलेक्शन हो ब्रशेस का, बिकॉज ये भी तो हो सकता है कि मैंने अभी तक ज़्यादा ब्रश इस्तेमाल नहीं किए, तो मुझे उनके यूज़ के बारे में ऐसा कुछ नहीं पता है कि उनके यू नो जो मेकअप इफेक्ट आते हैं वो कितने अच्छे होते हैं। सो मैं ना सिंपली इन्हीं से मेकअप करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल रारा एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक। थैंक यू। या आप लिपस्टिक के बारे में पूछेंगे तो मैं बता दूं, ये मैंने कलर बार की मैट मी एज आई एम लिप कलर जो न्यू लॉन्च हुआ है, इसका शेड मैंने लगाया है, इसका न्यू लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू किया है, मेरे चैनल पर आप चेक कर सकते हो। वीडियो के एंड में भी आपको उस वीडियो का लिंक जरूर मिलेगा। बाय बाय।